हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय एड चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूजर डिटेल्स मैनेजर और उसे किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट्स करते हैं, वो सारी चीज़ों को आज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूजर डिटेल्स सर्विस को देखा था, कस्टमाइज तरीके से किस तरह से लिखते हैं, राइट। ओके, तो गाइस करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने यूजर डिटेल्स मैनेजर लिख रखा है, क्योंकि इसलिए लिख रखा है क्योंकि गाइस हम लोग यूजर डिटेल्स सर्विस के थ्रू सिर्फ क्या कर सकते थे कि हम लोग यूजर की डिटेल्स को लोड कर सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन से दैट यूजर डिटेल्स को सिर्फ हम रिट्रीव कर सकते थे, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन उस यूज़र को क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारे ऑपरेशन हम लोग नहीं कर सकते थे यूज़र डिटेल सर्विस के थ्रू, क्योंकि उसके अंदर एक ही मेथड होता था जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, राइट। अब गाइस क्या करने वाला हूँ मैं, सबसे पहले अभी क्या है कि डेटाबेस से हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे, तो सिंपली गाइस जैसा कि पता है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है। ओके, वन सेकेंड, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है गाइस, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को करना क्या होगा, लेट्स से दिस वन एंड दिस वन, ये हमारा एक तरह का डेटाबेस है जिसके ऊपर हम लोग यू नो डेटा टेबल जो होगी, टेबल के अंदर डेटा रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग यू नो ऑथेंटिकेशन और वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे लॉगिन करने के लिए, मतलब कि इस बार हम लोग डेटा पहले सेव करेंगे, राइट। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे इस तरह से आप कह सकते हो कि इस बार हम लोग यहाँ पे इंटरेक्ट करने वाले हैं, राइट। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, डेटाबेस, ठीक है, डीबी, राइट, सिंपल। ओके, तो करना क्या है गाइस, सबसे पहले यूज़र डिटेल्स मैनेजर को करने के लिए आप गाइस ये तो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, बस यहाँ पे ये बेसिक सा बनाया ताकि आपको पता चले यूज़र डिटेल्स मैनेजर के थ्रू हम लोग यू नो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने वाले हैं, मतलब कि एक यूज़र को क्रिएट करने वाले हैं टेबल के अंदर और उसी यूज़र को यूज़ करते हुए लॉगिन करने वाले हैं। इसलिए ये डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, अदरवाइज़ कोई करने की ज़रूरत नहीं थी। करना क्या है गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था स्प्रिंग सिक्योरिटी 2 नाम से, आपको करना है कंट्रोल सी उसको सेलेक्ट करने के बाद और कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करना है, मतलब कि अभी हम लोग प्रोजेक्ट को सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर क्या चेंजेस करना है वो मैं बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको करना है क्या, pom.xml फाइल को ओपन करना है, राइट। इस बार हम लोग यूज़र डिटेल्स मैनेजर के थ्रू काम करने वाले हैं, तो उसकी बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हैं, लेट्स से कि जैसे कि LDAP यूज़र डिटेल्स मैनेजर, इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर जो कि सबसे पहली वीडियो में हम लोगों ने आई थिंक देखा था, जिसमें हम लोगों ने डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन को ओवरराइड करना देखा था, उसमें इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर को यूज़ करना देखा था। तो इस बार हम लोग देखने वाले हैं JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर इंप्लीमेंटेशन क्लास को यूज़ करेंगे, ठीक है, यूज़र डिटेल्स मैनेजर, क्योंकि एक अपने आप में इंटरफेस है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास को यूज़ करते हुए हम लोग यू नो कस्टमाइज करेंगे, राइट। तो करना क्या है गाइस, सबसे पहले अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले गाइस आपको JPA इस बार नहीं यूज़ करना है, आप चाहे तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। आपको क्या है, प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय JDBC एक ये डिपेंडेंसी आपको स्टार्टर की ऐड करनी है, स्प्रिंग सिक्योरिटी और वेब स्टार्टर, ये तीन डिपेंडेंसी बेसिकली आपको ऐड करनी है प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त, दैट्स इट, ठीक है। ये मान लो आपका न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, अब गाइस इसके अंदर रिसोर्स के अंदर नहीं, ये जावा के अंदर आना, इसके अंदर एक बेसिक सी क्लास क्रिएट होती है, ठीक है। तो वन सेकेंड, ये अभी 2 है तो इसको हमने क्या कर देना है गाइस, जस्ट मिनट, इसको यहाँ पे 3 कर देना है, ओके, सेव कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा 3 हो गया, राइट गाइस, ओके। इसके अंदर मेन मेथड होता है और कुछ भी होता नहीं स्पेशल इसके अंदर, तो ये मैंने ओपन करके दिखा दिया था और ये pom.xml फाइल भी ओपन करके दिखा दिया था, ओके, राइट। उसके बाद गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक यूज़र एंटिटी थी, ठीक है, और एक कॉन्फ़िग फाइल थी, तो कॉन्फ़िग फाइल को ऐसे रहने दो और यूज़र वाले को ऐसे रहने दो, रिपोजिटरी वाले को आप पूरा यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट, सिंपली डिलीट कर दो, ठीक है। सर्विस वाले को इसके अंदर जो ये क्लास थी इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है, प्रीवियस वाली आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यू नो वीडियो देख रखा होगा, तो उसको आप देख लोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। तो अभी सर्विस का एक पैकेज है और एक एंटिटी है जिसके अंदर एक यूज़र क्लास है और एक कंट्रोलर का है और एक कॉन्फ़िगरेशन का है, और इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो बेसिकली आपके अभी 3 मेजर क्लासेज हैं, एक यूज़र क्लास है, ओपन कर देता हूँ वन बाई वन। तो सबसे पहले हमारे पास यूज़र क्लास है जिसके अंदर ये फील्ड्स हैं, तो करना क्या गाइस कि आपको सबसे पहले ये सब कुछ हटा देना है। इस बार हम लोग JPA यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एंटिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक तरह की मॉडल क्लास होगी, मतलब कि DTO कह लो आप एक तरह का,
ठीक है रहेगा, तो ये एक एंटिटी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, तो एक तरह की DTO क्लास होगी, राइट। कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दो, ठीक है, अननेसेसरी जितनी भी होंगी पैकेज रिमूव हो जाएंगे। ओके अब गाइस क्या करना है कि गेटर सेटर आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, सेटर आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो गेटर को यहाँ से रिमूव कर दो, और या फिर यहाँ से ये सारे रिमूव करके दिखा देता हूँ। पहले आपको करना है कि ये दो फील्ड का सोर्स पे जाना है, जनरेट गेटर एंड सेटर। तो एक्चुअली हमें सिर्फ गेटर्स सॉरी सेटर्स हमें यू नो डिफाइन करना है, दैट्स इट। ओके सिर्फ सेटर्स वैल्यू को सेट करेंगे और कुछ नहीं, ये दो फील्ड रखा है, ठीक है, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। ये हमारी यूज़र क्लास मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक है, दो फील्ड के साथ प्लस सेटर मेथड है उसके करस्पॉन्डेंस। ओके अभी टू स्ट्रिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं, चाहो तो ओवर राइट कर लो, कोई भी ज़रूरी नहीं वैसे, लेकिन ओवर राइट कर देता हूँ यहाँ पर। सोर्स एंड जनरेट टू स्ट्रिंग, ठीक है, सिंपल, अभी फाइन। ओके ठीक है, अब गाइस यहाँ पे कंट्रोलर को सबसे पहले दिखा देता हूँ। कंट्रोलर के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था, वही पुराना है। तो इस बार हम लोग लिख देते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजिंग, जस्ट मिनट, यूजिंग यूज़र डिटेल्स मैनेजर लिख देते हैं, यूज़र डिटेल्स डिटेल्स मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैसेज चेंज कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसको चाहे तो इस बार इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है। ओके तो ये हमारा यूज़र हो गया और ये कंट्रोलर, होम कंट्रोलर, यही चेंजेस है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, राइट, फाइन। अब गाइस ये तो मेन वाला था, तो मेन क्लास में तो कुछ करना ही नहीं है। अब ये कॉन्फिग्रेशन क्लास है, राइट। इसके अंदर वही लास्ट वीडियो में जो कुछ देखा था, तो अभी क्या करना है आपको, ये सब कुछ रिमूव करना है आई मीन, राइट। और ये आपको एज इट इज़ रखना है बीन को, राइट। अब गाइस करना क्या है, सिंपली आपने यूज़र क्लास क्रिएट किया है, सिंपल सी DTO क्लास जिसके अंदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड दो फील्ड हैं, उसके गेटर्स आपने सेटर्स आपने डिफाइन कर रखे हैं, और टू स्ट्रिंग मैथड को ओवरराइड कर रखा है, राइट। उसके बाद एक सिंपल सा होम कंट्रोलर है जिसके अंदर एक मैथड है सिंपल सा, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्फिग्रेशन क्लास है जिसके अंदर ये पासवर्ड एनकोडर को ओवरराइड कर रखा, बीन है उसकी, ठीक है। और ये, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है गाइस, ये सब कुछ देख चुके हैं हम लोग। अब गाइस करना क्या है, JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर, इसको कंट्रोल स्पेस आपको करना है, और ये मैनेजर, और यहाँ से आपने करना है न्यू, और आपको कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट। अब गाइस यहाँ पे हम लोग सर्विस नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप सर्विस ओपन करके देखोगे तो सर्विस के अंदर क्या है गाइस, एक मेथड है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, जो कि क्या करेगा, सिर्फ यूज़र को लोड करेगा, अगर वो यूज़र टेबल में मिलेगा एग्जिस्ट करेगा तो उसको लोड करके रिवर्ट करेगा, यूज़र डिटेल्स ऑथेंटिकेट कर देगा कि भाई यूज़र ये ऑथेंटिकेटेड है, तो उसको लॉगिन की अथॉरिटी दे देगा। तो यहाँ पे यूज़र अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नॉट फाउंड की एक्सेप्शन दे देगा यहाँ पे, राइट। तो इसलिए अभी क्या करना है, हमें क्रिएट करना है यूज़र। अब क्रिएट करने के लिए जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जिसमें डिफॉल्ट ओवरराइड किया था उसमें इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर को यूज़ किया था, उसी तरह से यहाँ पे JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर है, एज सिमिलर इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, जस्ट मिनट, ठीक है। क्या है गाइस कि जो हमारे पास यहाँ पे यू नो यूज़र डिटेल्स मैनेजर, ठीक है, ये जो है गाइस, इसकी बेसिकली आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जस्ट मिनट, यहीं पे लिख देता हूँ। एक है हमारा इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर, एक ये है क्लास, और दूसरी हमारी है JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर, एक ये है क्लास, और तीसरी है आपकी LDAP यूज़र डिटेल्स मैनेजर। ये क्या है गाइस, एक्चुअली ये इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं यूज़र डिटेल्स मैनेजर की, तो आपको इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे सिर्फ बता दिया और कुछ भी ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये है, और ये कि ये है, और एक ये,
ठीक है, ये तीन क्लासेस है जिसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, अभी के लिए बहरहाल हम लोग JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर को यूज़ करने वाले हैं। इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर को यूज़ कर ही लिया है, राइट। अब इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर के अंदर जितनी फंक्शनैलिटी होती हैं उसी तरह से JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर के अंदर भी होती हैं, लेकिन इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर में ये अंतर है कि हम लोग सिर्फ इन मेमोरी लेवल पर करते हैं, कोई भी सेपरेट एक्सटर्नल डेटाबेस यूज़ नहीं करते। लेकिन JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर के साथ हम लोग एक्सटर्नल डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारा MySQL है, राइट। ओके, अभी LDAP के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे, राइट। ओके फाइन, अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर में देखो क्या है कि एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये प्री डिफाइंड कुछ क्वेरीज देता है मैनिपुलेशंस के लिए, तो सब कुछ बना बनाया है, यू कैन से पका पकाया है, आपको सिर्फ यूज़ करना है इसे फॉलो करते हुए। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिएट यूज़र करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूज़र्स, मतलब कि क्वेरी पहले से प्रिपेयर्ड है, आपको बस यूज़ करना है। लेकिन आप सोचोगे कि मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना, तो बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी के लेवल पे मतलब कि किया जा सकता है, लेकिन हाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे यूज़र टेबल से ये पहले से बता रहा है कि आपके डेटाबेस के अंदर यूज़र्स नाम की टेबल्स होनी चाहिए, अथॉरिटीज़ नाम की टेबल्स होनी चाहिए, जितनी भी यहाँ पे टेबल्स हैं। जैसे जैसे आपका यू नो ऑथेंटिकेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, वहाँ पे जो जो यूज़ हुआ है वो सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, तो ये डिफाइन किया जाता है। अब गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर, जैसा कि मैंने बोला है, JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, किसकी, यूज़र डिटेल्स मैनेजर का इंटरफेस का, और इसके अंदर वो सारे मैथड, जो पाँच मैथड हैं आई थिंक, जो कि अभी मैं दिखा देता हूँ, वो पांच मेन मेथड है जिसकी वजह से हम लोग क्रड ऑपरेशन यू कैन से परफॉर्म कर पाएंगे यूजर डिटेल्स मैनेजर के थ्रू, जबकि यूजर डिटेल्स सर्विस के थ्रू नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्रिएट यूजर, अपडेट यूजर, क्रिएट यूजर का मतलब है एक नया यूजर डेटाबेस में क्रिएट होगा, एक टेबल के अंदर एक डेटाबेस में एक नया यूजर क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ क्रिएट यूजर, ठीक है। अपडेट यूजर, यूजर अपडेट किया जाएगा जो भी एग्जिस्टिंग यूजर पड़ा हुआ है, ठीक है। डिलीट करेगा, यूज़र के नेम से डिलीट करेगा, यहाँ पे पैरामीटर ले रहा है, क्योंकि यूज़र नेम एक यूनिक रहेगा, प्राइमरी की तरह ट्रीट होगा, एक यूनिक की होगी, तो क्योंकि यूज़र नेम सेम नहीं हो सकता, जैसे कि ईमेल आईडी, राइट, तो इसलिए यूज़र नेम के थ्रू यहाँ पे डिलीट होगा। ओके, उसके बाद गाइस यहाँ पे ये तीन मेथड हो गए, क्रिएट यूज़र, अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र एंड चेंज पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड, आपको करेंट पासवर्ड जो भी है वो ओल्ड पासवर्ड है उसको यहाँ पे भेजना है, और न्यू पासवर्ड जो आप नया पासवर्ड देना चाहते हो वहाँ पे भेजना है, जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल मेथड है। और यूज़र एग्जिस्ट मेथड क्या करेगा ये बताएगा, बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, बाकी सारे रिमेनिंग जितने मेथड तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो वॉइड टाइप के, कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। ये एक मेथड है जो बूलियन टाइप का रिटर्न टाइप है, इसका मतलब ये है कि ये बताएगा क्या डेटाबेस में इस तरह का यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बस आपको यूज़र नेम पैरामीटर में भेजना है और बता देगा ट्रू एंड फॉल्स में वो अवेलेबल है या नहीं। तो ये बेसिक से मेथड है जिनको JDBC ने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रखा विद द हेल्प ऑफ सम प्री डिफाइंड क्वेरीज और प्री डिफाइंड रिलेशनशिप टू ईच अदर, मतलब कि जो टेबल्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप हैं, और यहाँ पे वो मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोड बाय यूज़र नेम भी है, क्योंकि यूज़र डिटेल्स मैनेजर ने यूज़र डिटेल्स सर्विस को इनहेरिट कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे लोड यूज़र बाय यूज़र नेम को भी इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं अंदर क्यों आपको डिस्कस करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाइस सब कुछ पका पका है, आपको यूज़ करना होता है, तो आप जब इंटरनल चीज़ें समझ जाओगे तो आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी ईजी लगेगा, और कोई वजह नहीं है, मैं अंदर की चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्रिएट यूज़र, फंक्शनैलिटी नहीं समझना, बस आपको स्ट्रक्चर समझना कि क्या एक्चुअल में किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है बैकएंड में, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट यूज़र यू नो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसी तरह से अपडेट यूज़र को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे मेथड आपको देखने को मिल जाते हैं, डिलीट यूज़र है तो राइट, ओके फाइन, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो करना क्या है, JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर, अब यूज़र JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर जो कि हमें JDBC मतलब कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे गाइस देखो दो तरह, देखो एक कंस्ट्रक्टर इस तरह से, ठीक है, या तो आप पहले इसका ऑब्जेक्ट बना के उसके बाद डॉट करके इसकी प्रॉपर्टी, डेटा सोर्स की प्रॉपर्टी आप सेट करो, तो यहाँ पे डेटा सोर्स होगा, राइट, तो उसको या तो सेट करो या तो फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही डेटा सोर्स को आप सेट कर दो। ये वाला डेटा सोर्स है, यहाँ पे अगर जाओगे तो डेटा सोर्स को या तो ये कंस्ट्रक्टर वाला आप सेट कर दो, तो कंस्ट्रक्टर वाला हम कॉल करेंगे,
ठीक है। आप डेटा सोर्स कैसे डिफाइन करेंगे, तो गाइस क्या करेंगे कि एक बीन और क्रिएट करेंगे यहाँ पे बीन, एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट्स से कि पब्लिक ओके डेटा सोर्स ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं डेटा सोर्स, और यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर। एक चीज़ याद रखना गाइस, पॉम डॉट एग्जाम्पल फाइल में ये चीज़ ध्यान रखना जो कि मैंने बताया था, अगर आपने कॉपी पेस्ट किया प्रोजेक्ट को तो यहाँ पे JDBC कर लेना, मतलब कि तीन डिपेंडेंसीज रहेंगी, एक JDBC की स्टार्टर रहेगा, एक स्प्रिंग सिक्योरिटी का स्टार्टर रहेगा, एक वेब का स्टार्टर रहेगा, राइट। तभी आपको यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स को आपको यहाँ पे उठाना है, यहाँ पे डेटा सोर्स कर देना है, DS कर देते हैं, ठीक है, डेटा ही सोर्स कर देते हैं, प्रॉपर रहेगा, ठीक है। इसको मैं सेपरेट लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है, ड्राइवर मैनेजर। आप चाहे तो नॉन कंस्ट्रक्टर, मतलब कि नॉन पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर, यू नो, कॉल करके उसके बाद यहाँ पे इस तरह से डेटा सोर्स, यू नो, यहाँ पे URL सेट URL कर दो, ठीक है, URL इस तरह से यहाँ पे, जस्ट मिनट, सेट URL, तो इस तरह से सेट URL, सेट यूज़र नेम, जो मेथड्स हैं उनको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और फाइनली डेटा सोर्स को रिटर्न कर दो। और चाहो तो आप कंस्ट्रक्टर वाला कॉल कर लो, जो कि मैं कॉल करूँगा यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे URL, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तीनों चीज़ एक ही में आ जाएंगी, जस्ट मिनट, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम URL मेंशन करेंगे, MySQL JDBC MySQL एंड लोकल होस्ट, यहाँ पे पोर्ट नंबर ऑप्शनल है तो पोर्ट नंबर नहीं डालूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे डेटाबेस MyDB, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप प्रॉपर देख सको एक लाइन में, मतलब कि स्क्रीन पे, राइट। यूज़र नेम मेरा रूट है गाइस, रूट, एंड पासवर्ड हमारा, लेट्स से पासवर्ड कुछ भी है, हाँ, डेटाबेस का पासवर्ड, ये डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, डेटा सोर्स का, जो भी आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, MongoDB यूज़ कर रहे हो, रिलेशनल डेटाबेस कोई भी हो सकता है, या फिर NoSQL डेटाबेस लाइक MongoDB, ठीक है। तो अभी तो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है MySQL, तो आप कुछ भी डेटाबेस कोई भी यूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है कि MySQL ही यूज़ करो, उसी हिसाब से यहाँ पे बस कॉन्फ़िगरेशन आपको देना पड़ेगा, दैट्स इट, राइट। फाइनली क्या करूँगा गाइस, इसको कैश करने की ज़रूरत नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्टली रिटर्न कर दूँ ना, ठीक है, एक लाइन में, समझ में आ रहा होगा, बिगनर्स हो सकता है कि दिक्कत है, लेकिन कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, जावा आती तो बहुत ही सिंपल है ना, एक बस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डायरेक्टली उसको रिटर्न कर दिया है, राइट। अब गाइस क्या करना है कि ये, इसको मैं यहीं से कॉल कर लेता हूँ सिंपली, यहाँ पे इसको, ठीक है। तो JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर को मैं कंस्ट्रक्टर टाइप वाला, मतलब कॉल करूँगा, ठीक है, इससे डेटा सोर्स यहाँ पे सेट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्टली इसमें कॉल कर लिया है, राइट, फाइन। ये JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर क्रिएट हुआ, कुछ भी नहीं करना था गाइस, आपने सोर्स बता दिया, कौन सा डेटाबेस आपने यूज़ करना है वो बता दिया, और उसके बाद JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर, जो कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, जो कि बिल्ट इन है, सब कुछ उसके अंदर बना बनाया है, बस आपको यूज़ करना है, आपका काम हो गया, मतलब कि ये समझ लो ऑथेंटिकेशन तैयार हो चुका है, जो कि आपने JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर के थ्रू किया है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सर्विस की जगह पे मैनेजर आपको रिटर्न करना है, आप चाहो तो गाइस क्या कर सकते हो, JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर को ही रिटर्न कर सकते हो, लेकिन ये पैरेंट है इंटरफेस, तो आप इसी को रिटर्न करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो किसी भी टाइप का हो सकता है, कल को आप इम्प्लीमेंटेशन या LDAP करते हो, या फिर आप, यू नो, यहाँ पे जो तीन टाइप का मैंने बताया, LDAP या फिर इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर, तो इससे क्या होगा कि यूज़र डिटेल्स मैनेजर पैरेंट है, तो वो किसी भी टाइप को, यू नो, होल्ड कर सकता है, तो दैट इज़ द मेन थिंग, राइट। और कुछ भी नहीं किया, फाइनली मैंने इसको सेव कर देना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ गाइस, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। अब होम कंट्रोलर प्रॉपर दिखा देता हूँ, यूज़र दिखा देता हूँ। तो यूज़र का अभी यूज़ नहीं किया है, अभी यूज़र का कुछ भी यूज़ नहीं है, तो अभी सिर्फ कंट्रोलर और सिक्योरिटी को ही यूज़ करके देखो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दो ताकि अननेसेसरी पैकेजेस रिमूव हो जाए गाइस, राइट। तो फाइन, इसको मैं लार्ज कर देता हूँ, प्रॉपरली देख सको, ठीक है, ओके गाइस। अब इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। टेस्ट करने के लिए गाइस करना क्या, एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, इसका कोई ज़रूरत नहीं, तो मेन ये क्लासेस थी, ठीक है,
स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग और होम कंट्रोलर, ठीक है, जिसके अंदर का मैंने डिटेल आपको दिखा ही दिया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, रन एज एंड स्प्रिंग बूट ऐप। गाइस हम लोग बहुत स्लोली स्लोली चल रहे हैं ताकि आगे की चीज़ें ईजी रहे हम लोगों के लिए, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है, इसमें हम लोग बहुत डिटेलिंग में जाएंगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि इसमें CSRF का है कॉन्सेप्ट, अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा जिसकी अभी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। बहरहाल तो गाइस अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अब गाइस लेकिन एक चीज़ समझो, मैं यहाँ पे पोस्टमैन को ओपन करने से पहले इसको रन भी कर दिया है एप्लीकेशन को, लेकिन एक चीज़ रह गई है। अब जैसा कि मैंने बताया, JDBC यूज़र डिटेल्स सब कुछ तैयार करके देता है, ठीक है, कैसे इंसर्ट होगा उसकी क्वेरी लिखी है, कैसे अपडेट होगा उसकी क्वेरी लिखी हुई है, मैंने जिस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, ये कनेक्टिविटी का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। JDBC यूज़र डिटेल्स जो है सारी फंक्शनैलिटी भी दे देगा, कैसे क्रिएट करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे सब कुछ करना है, सब कुछ दे देगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे सारी क्वेरीज तो लिखी हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हो क्वेरीज तो सारी लिखी हैं, जैसे अपडेट करना है, सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, ये सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइस कि ये टेबल्स बना के नहीं देता है, टेबल तो आपको क्रिएट करनी होगी, अभी के लिए टेबल तो है नहीं हमारे डेटाबेस में, तो वो टेबल हमें क्रिएट करनी होगी। तो गाइस आपको करना क्या, MySQL ओपन करना है, MySQL, और यहाँ पे पहले टेबल क्रिएट कर लो। अब टेबल कैसे क्रिएट करना, जो यहाँ पे दिख रहा है वही सेम टू सेम आपको क्रिएट करना, वही सारी फील्ड्स उसके अंदर रखना है, राइट, ओके। तो यहाँ पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे लेट्स से एडमिन, ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे लेट्स से कि मैं दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट, अच्छा ये प्रीवियस वाला है जिसके अंदर एक ही टेबल थी, टेबल यूज़र, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक नया टेबल क्रिएट करूँगा जिसका नेम है यूज़र्स, ठीक है, और प्राइमरी की रहेगा हमारा यूज़र नेम जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड और इनेबल्ड, ये तीन प्रॉपर्टीज क्रिएट होंगी, लेकिन ये ऑटो जनरेटेड नहीं रहेगा, तो AI पे आपको अनचेक रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, उसके बाद गाइस, अच्छा ये यूज़र नेम इंट नहीं रहेगा, ध्यान रखना गाइस, वायर कैर 45, ठीक है, और उसके बाद इनेबल्ड, यहाँ पे इनेबल्ड इसको इंट कर देंगे, ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड, इनेबल्ड, जैसा कि यहाँ पे था वही मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसका डेटा टाइप इंट रखा है और ठीक है, और बाकी वायर गायर, ठीक है, इसको मैंने क्रिएट कर देना, अप्लाई एंड फिनिश, ठीक है। अब गाइस इनके बीच में एक रिलेशन और था, जैसे कि इन मेमोरी वाले के टाइम पे आपने देखा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इन मेमोरी के टाइम पे ये प्रीवियस वाला सबसे पहला वाला था जिसमें ओवरराइट किया था, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्लास ओपन करके दिखा देता हूँ। हमें बेसिकली क्या करना पड़ रहा था, एक बेसिक अथॉरिटीज़ देनी पड़ रही थी तभी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ें हमने एक्सप्लेन नहीं की हैं अथॉरिटीज़ से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे रीड अथॉरिटी दे रखी। उसी तरह से गाइस अगर इसके अंदर देखोगे तो एक अथॉरिटीज टेबल है, क्योंकि प्रीवियस वाले एग्जांपल में भी मैंने करके दिखाया था अथॉरिटीज़ का, ठीक है, तो इसलिए गाइस क्या अथॉरिटीज टेबल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कॉपी करो गाइस, और अभी इसको मैंने क्लोज कर देना है, ठीक है, एक टेबल और क्रिएट कर देना है, क्रिएट टेबल एंड अथॉरिटीज़। और इस बार क्या होगा गाइस कि यहाँ पे अभी कोई भी प्राइमरी की नहीं है इस केस में, अगर देखोगे सिर्फ दो ही फील्ड हैं, एक यूज़र नेम, एक अथॉरिटी, लेकिन अपने एंड पे हमें एक प्राइमरी की बनानी होगी। तो हम लेफ्ट से इसका ओके, यहाँ पे ऑथ आईडी कोई भी नेम रख लो, AID, ऑथ आईडी, जो भी मन करे वो रख लो, ठीक है, प्राइमरी की रहेगी, ऑटो जनरेटेड रहेगी गाइस। और यहाँ पे लेट्स से आपको क्या रखना है, यूज़र नेम, और उसके बाद गाइस क्या रखना है, अथॉरिटी कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और ठीक है, और कुछ भी नहीं है गाइस, सिंपल, ठीक है, इसको अप्लाई करो एंड अप्लाई एंड फिनिश, ठीक है। अब गाइस करना क्या है, सबसे पहले मैं ये ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और ये वाला भी ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। अभी क्या है इसमें, अभी हम लोग डमी डेटा रख लेते हैं, पहले यूज़र नेम के लिए लेट्स से कि
फॉर एग्जाम्पल यमन एंड पासवर्ड लेट्स सी कि 1234, ठीक है, या फिर 56, ओके कुछ अलग रख लेते हैं, 456 रख लेते हैं, इनेबल्ड रहेगा 1। अभी गाइस ये इनेबल्ड प्रॉपर्टी के बारे में आपको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। अप्लाई एंड अप्लाई एंड फिनिश, ठीक है, अथॉरिटीज़ यहाँ पे रख लेते हैं यमन के करस्पॉन्डेंस, ये तो आईडी है जो कि ऑटो जनरेटेड रहेगी, तो यमन के करस्पॉन्डेंस एक रीड अथॉरिटी दे देते हैं अभी के लिए, और एक और चलो दे देते हैं सेकेंड यमन को ही राइट अथॉरिटी भी दे देते हैं, राइट। ये अप्लाई अप्लाई एंड फिनिश, सिंपल, ये सिंपल है, ठीक है। ये यमन एक यूज़र है जिसको रीड एंड राइट की अथॉरिटी दी है अथॉरिटी टेबल के अंदर, राइट, ओके। अभी ये प्री डिफाइंड मैंने डेटा इसके अंदर मतलब फोर्सफुली रख दिया मैनुअली। अब गाइस करना क्या है गाइस, इसके वो वापस आते हैं मतलब कोड पे, बस यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्लास में ही कमाल था और कुछ नहीं था गाइस। अब क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन रन हो रही है, अब गाइस आते हैं हम पोस्टमैन पे। अब क्या करते हैं गाइस कि लेट्स से यहाँ पे क्या है, वन सेकेंड, इंडेक्स है राइट, इंडेक्स और ऑथराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं गाइस। लेट्स से यहाँ पे अच्छा इंडेक्स है, ठीक है, मैं अभी इसी को ऐसे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है गाइस। तो आप देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है अनऑथराइज्ड, राइट, और लेट्स से कि अभी मैं यमन को करके देखता हूँ और फिर से सेंड किया, तब भी बोला अनऑथराइज्ड। अब पासवर्ड सही नहीं डाला इसलिए अनऑथराइज्ड दे रहा होगा, जस्ट मिनट, पासवर्ड मैंने सही रखा है, हाँ और नहीं, 456 है इसलिए नहीं दे रहा था, 456 किया गाइस एंड अगेन मैंने हिट किया, तो यू कैन सी हियर हाई स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजिंग यूजर डिटेल्स मैनेजर, मतलब कि प्रॉपरली चल रहा है, राइट। अब गाइस कॉन्सेप्ट ये तो समझ में आ गया, लेकिन गाइस यहाँ पे ये डेटा मैंने हार्ड कोडेड रखा, अब ये डेटा कैसे गिरेगा, इसके अंदर कैसे आएगा, दैट इज़ द मेन थिंग। तो करना क्या गाइस, अभी के लिए बहरहाल मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसमें भी अथॉरिटीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये भी मैंने डिलीट कर दिया, राइट, ओके, इसको अप्लाई करना भूल गया मैं, अप्लाई कर देता हूँ एंड फिनिश, और इस वाले पे भी अप्लाई करना भूल गया था, वन सेकेंड, अप्लाई एंड फिनिश, राइट। अभी डेटा में कुछ भी नहीं है गाइस, टेबल में आई मीन, राइट। अब कैसे इसके अंदर रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, ओके फाइन। तो गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे आओ एंटिटी। अब गाइस जैसा कि आपको पता है एंटिटी में क्या होता है कि यूज़र डिटेल्स को यूज़ किया जाता है, यूज़र डिटेल्स जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अभी गाइस यहाँ पे देख लो, ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगली बार मैंने यूज़र में डायरेक्टली एक्सटेंड नहीं किया था यूज़र डिटेल को, और इस बार क्यों एक्सटेंड कर रहा हूँ यूज़र डिटेल्स को। तो गाइस क्योंकि ये अभी एंटिटी नहीं है, एक सिंपल DTO है, एक क्लास है जिसको मतलब कि डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए यहाँ पे अभी हम यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए सेपरेट क्लास नहीं बनाएंगे, ठीक है। यूज़र डिटेल्स, ओके, वेयर इज़ यूज़र डिटेल्स, यूज़र डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको करना क्या, सिंपली इम्प्लीमेंट्स कर देना है, और गाइस यहाँ पे जितने भी मेथड्स हैं ओवरराइड कर दो, ओके, एड अनइम्प्लीमेंटेड मैथड, तो यहाँ तक तो अपना था गाइस, इससे कोई लेना देना नहीं, हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब गाइस आप सोच रहे हो कि मैंने इसके लिए सेटर डिफाइन किए थे, गेटर्स क्यों नहीं डिफाइन किए थे, क्योंकि गेटर्स जो है यूज़र डिटेल्स के अंदर से आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो गेटर आ रहा है। तो अभी क्या करना है गाइस, आपको करना क्या है, रिटर्न दिस डॉट पासवर्ड प्रॉपर्टी को रिटर्न कर देना है गाइस, और ऐसे एज सिमिलर यहाँ पे कर देना है दिस डॉट यूज़र नेम, ठीक है। और गाइस यहाँ पे अभी के लिए बहरहाल वही करना है, सेम चीज, रिटर्न लिस्ट लिस्ट, ठीक है, डॉट ऑफ, सेम चीज कर देते हैं अभी के लिए, बहरहाल के लिए यहाँ पे रीड है, रीड, ठीक है, सिंपल। और बाकी गाइस यहाँ पे देखो इन प्रॉपर्टीज़ को अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इज़ अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड, मतलब कि अभी जो आपका अकाउंट है जो आपने क्रिएट किया लॉगिन अकाउंट है, अभी ये लॉगिन ही टेबल हुई ना एक तरह से, तो जो अकाउंट है वो एक्सपायर्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको ट्रू कर देता था जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। उसी तरह से गाइस यहाँ पे जैसे कि ये बताता है इज़ एन अकाउंट लॉग्ड, आपका अकाउंट लॉग्ड है या नहीं लॉग्ड है, मतलब लॉग तो नहीं है, लॉग भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रू कर रखा है था लास्ट वीडियो में।
इसी तरह से ये प्रॉपर्टीज बेसिकली उस अकाउंट जो लॉगिन टेबल है उस लॉगिन टेबल का जो यू नो यूज़र्स हैं उनकी डिटेल्स बताता है कि भाई बूलियन फॉर्म में कि वो लॉग्ड है या एक्सपायर्ड हो चुका है वो यूज़र लाइक दैट। तो यहाँ पे वही सब उसका क्रेडेंशियल एक्सपायर्ड हो गया या नहीं एक्सपायर्ड हुआ, इज क्रेडेंशियल नॉन एक्सपायर्ड, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू राइट। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, ये बताता है कि ये एक्चुअल इनेबल्ड प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनेबल्ड प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है ये वाली राइट। तो इसलिए यहाँ पे ट्रू राइट। ओके फाइन, ये हमारी यूज़र डिटेल्स क्रिएट होगी और इसमें अभी कुछ नहीं करना है गाइस। अब गाइस करना क्या है कि अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करके एक मैं बनाऊँगा पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि यूज़र सेव होगा डेटाबेस में राइट टेबल्स के अंदर, तो पोस्ट करेंगे रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे लेट्स से कि न्यू यूज़र ठीक है, या फिर क्रिएट यूज़र, क्रिएट यूज़र, और इसको यहाँ पे ऐड यूज़र कर लेते हैं, कुछ भी कर लो कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। अब गाइस बात ये आती है कि यहाँ पे हमें करना क्या है कि JDBC यूज़र डिटेल्स के अंदर, जैसे कि इन मेमोरी के अंदर क्या होता है, क्रिएट यूज़र नाम का प्री डिफाइंड सब कुछ मेथड अवेलेबल है, हमें सिर्फ यूज़ करना पका पकाया, जैसे कि मैंने पहले बोला था जैसे इन मेमोरी मैनेजर के अंदर था, इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर के अंदर था, उसी तरह से एज सिमिलर JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर के अंदर है। तो आपको करना क्या है गाइस, इसकी बीन मैंने बना रखी है, तो इस बीन को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं JDBC यूज़र डिटेल्स को। तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे कर लो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, इसलिए गाइस क्या करना है, एक सर्विस क्लास बना लेते हैं, एक सही तरीका फॉलो करते हैं। तो लेट्स से यूज़र सर्विस कर लेते हैं, या फिर माई यूज़र सर्विस कर लेते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, माई यूज़र सर्विस। एंड गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अभी सिंपली एनोटेशन रख सकते हैं सर्विस का ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना गाइस, ऑटो वायर्ड करेंगे, ऑटो वायर्ड, और यहाँ पे ये वाली जो बीन है इसको मैं कॉपी मतलब कि इसको एक्सेस करूँगा यहाँ पे यूज़र डिटेल्स मैनेजर, और यहाँ पे लेट्स से कि मैनेजर ही कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट मैनेजर ठीक है। ओके पब्लिक वॉइड ऐड यूज़र ठीक है, इसके अंदर यूज़र नाम का वैल्यू वहाँ से भेजेंगे ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैनेजर डॉट क्रिएट यूज़र जो कि बिल्ट इन है गाइस, अगर आप देखोगे ये यूज़र डिटेल्स मैनेजर के अंदर ये वाला क्रिएट यूज़र ठीक है, जो कि इसकी JDBC इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास का यू नो इम्प्लीमेंटेशन लेगा। अभी हमने यूज़र डिटेल्स मैनेजर इंटरफेस को यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है और कोई वजह नहीं है राइट। तो यहाँ पे यूज़र चला जाएगा गाइस, और इसी तरह से यूज़र को यहाँ पे इंपोर्ट कर लो सिंपली, ये यूज़र हमारा सेव हो जाएगा। अब करना क्या गाइस है, यहाँ पे हम होम कंट्रोलर में डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन हम इनडायरेक्टली यहाँ पे ऑटो वायर्ड कर रहे हैं, ऑटो वायर्ड क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है गाइस, अदरवाइज आप डायरेक्टली यूज़र डिटेल्स मैनेजर को यहाँ पे ऑटो वायर्ड कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे माय यूज़र सर्विस को ऑटो वायर्ड करूँगा इनडायरेक्टली सर्विस ठीक है, और उसके बाद गाइस यहाँ पे करेंगे सर्विस डॉट वॉट ऐड यूज़र जो कि मैंने अपना बनाया है, इसके अंदर यूज़र भेजेंगे गाइस। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको करना होगा यूज़र, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो रहा है बट ये तरीका ये अप्रोच सही है, क्योंकि ये यू नो आप इंडस्ट्री के लेवल पे जैसे काम होता है उस तरह से यू नो ये बेस्ट अप्रोच है। रिक्वेस्ट बॉडी ठीक है, ये हो गया गाइस, एंड ये सिंपल राइट ओके। एंड यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत है, रिटर्न करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं आई थिंक, और यहाँ पे जस्ट मिनट देख सकते हैं क्रिएट यूज़र राइट, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करता, अपने तरफ से अगर चाहो तो कुछ भी रिटर्न कर सकते हो एज़ योर चॉइस, और यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी वॉइड स्ट्रिंग अगर दोगे लेट्स से ठीक है, वैसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र डिटेल्स मैनेजर एंड होम कंट्रोलर ठीक है, रिटर्न नहीं करेंगे गाइस कुछ भी,
तो इसको वॉइड कर देते हैं, और चाहो तो रिटर्न कर दो, कोई भी वैल्यू रिटर्न कर दो, कोई भी स्टेटस रिटर्न कर दो। तो अभी के लिए बहरहाल हम नहीं रिटर्न कर रहे हैं, इसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा। तो ये सेव के लिए किया गया इतना सा, ये मेथड बनाया है सिंपल सा। इसके अंदर मैंने ऐड यूज़र किया है, इसके बाद यूज़र डिटेल्स मैनेजर को यहाँ पे ऑटो ऐड किया है, ताकि उसके क्रिएट यूज़र जो कि पहले से बने बनाए हैं, ठीक है, JDBC इम्प्लीमेंटेशन क्लास ने, JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर इम्प्लीमेंटेशन क्लास ने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है प्रॉपरली। तो हमें नहीं करना, हमें सिर्फ यूज़ करना है, राइट। ओके, बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया यार, बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बार बार शायद। ओके फाइन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि गाइस आपको समझ में ना आए, अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना गाइस, राइट। अब गाइस क्या करते हैं कि ये मैंने क्रिएट कर दिया है, राइट, और कुछ रह नहीं गया शायद। ओके गाइस, अब मैं करता हूँ फिर से यहाँ पे आता हूँ, और इस बार मैं क्या करता हूँ, एक और मैं गाइस करता हूँ, और यहाँ पे HTTP ओके लोकल होस्ट 8080 पोर्ट नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट, और इस बार हम पोस्ट क्या कर रहे हैं, क्रिएट यूज़र है, ठीक है। और इस बार मुझे गाइस करना क्या है कि बॉडी पे आना है, और हमें कुछ भी रॉ में कुछ भी रिटर्न हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सेंड क्या करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। इस बार जैसन, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, ऑथराइजेशन का कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आओ पहले करते हैं गाइस, हम लोग क्या करते हैं, टेबल के अंदर हमारा यूज़र नेम नाम की एक वैल्यू है, और अभी के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से यूज़र पासवर्ड, राइट, और इसको मैं हिट करने की कोशिश करता हूँ गाइस, देखते हैं क्या होता है। रिस्पॉन्स कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, ओके गाइस, अब ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं जा रही, उसका रीज़न है गाइस, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है CSRF जो है इनेबल्ड होता है, ठीक है, तो ऐसे रिक्वेस्ट नहीं जाती, तो उसको अभी फोर्सफुली हमें डिसेबल्ड करना होगा, राइट। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए बहरहाल करना क्या, आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में आना है, आपको एक्सटेंड्स करना है गाइस वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर एडाप्टर, एंड और इसके लिए एक मेथड है कॉन्फ़िगर लिख लेते हैं, कॉन्फ़िगर ये वाला सेकेंड वाला आपको ओवरराइड कर देना है। बेसिकली आपको करना है क्या, यहाँ पे HTTP CSRF डॉट डिसेबल, और यहाँ पे HTTP ऑथराइज्ड फिल्ड रिक्वेस्ट MVC matchers, और यहाँ पे क्या करना है गाइस, लेट्स से किसको हमें ऑथराइज करना है, अभी के लिए बहरहाल हमें क्रिएट यूज़र को ऑथराइज करना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको अभी क्लोज कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी पे आते हैं, और यहाँ पे स्लैश, और गाइस यहाँ पे क्या कर देते हैं, चलो सेकेंड लाइन में ही कर देते हैं, यहाँ पे डॉट परमिट ऑल, उसके बाद फिर सेकेंड लाइन में कर देते हैं एनी रिक्वेस्ट। ये किस लिए कर रहा हूँ गाइस, ये मतलब कि बेसिकली जो हमारी इंडेक्स वाली रिक्वेस्ट है सेलेक्ट स्लैश करके, ये इंडेक्स के लिए, तो एनी अदर रिक्वेस्ट के लिए, तो यहाँ पे भी कर देते हैं। अभी इसके डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा मैं, इसको बाद में कवर करेंगे, ठीक है, ऑथराइज। तो इससे क्या होगा गाइस कि एनी अदर रिक्वेस्ट के लिए ऑथेंटिकेटेड कर दिया जाएगा, लेट्स से कि इंडेक्स के लिए, और ये परमिट करेगा क्रिएट यूज़र स्लैश क्रिएट यूज़र करके जितने भी रिक्वेस्ट होंगे उनके लिए यहाँ पे परमिट कर दिया गया, और ये CSRF जो है उसको डिसेबल कर दिया गया। तो सिंपल सा है, इसको आपको ओवरराइट करना है। अब गाइस ठीक है, रिलॉन्च कर लेते हैं एक बारी फिर से, एंड फिर से देखते हैं गाइस क्या होता है। ओके गाइस, अभी मैं इसको एक बार फिर से पोस्टमैन के थ्रू हिट करके देखता हूँ गाइस। तो अभी हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैंने और मिसिंग है मेरी, मैंने गेट रिक्वेस्ट के थ्रू इसको किया था, लेकिन कोई नहीं, अगर पोस्ट के थ्रू भी करते तब भी CSRF जो टोकन है वो इनेबल रहता, जो कि डिटेलिंग में जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अपकमिंग वीडियोस में, राइट। ओके तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं पोस्ट सेट कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे, क्योंकि ये कभी कभी गलती हो जाती है, यहाँ पे गेट रहता है और जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, राइट।
ये रहेगा यहाँ पे जीरो यार, क्रिएट यूज़र, राइट गाइस। और बॉडी पे आते हैं एंड यहाँ पे रॉ एंड जैसन, और जैसन को यहाँ से प्रीवियस वाले से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये नहीं करना है, वन सेकेंड, कॉपी एंड पेस्ट। नाउ गाइस फिर से मैं इसको हिट करके देखता हूँ, सेंड। तो इस बार मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट सही तरीके से भेजी। यू कैन सी हियर यहाँ पे 200 आ चुका है, मतलब कि डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव हो जाना चाहिए अभी, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस सही आ रहा है गाइस। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी हियर ABC 789, मतलब कि यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है गाइस। यू कैन सी हियर यहाँ प्रॉपरली दिख रहा है, अथॉरिटी भी आ चुकी है, यूज़र्स भी आ चुका है। एक और यूज़र मैं यहाँ पे इंसर्ट करके देख लेता हूँ गाइस। लेट्स से यहाँ पे प्रोग्रैंक और यहाँ पे पासवर्ड लेट्स से 789456 एंड इसको मैंने फिर से सेंड किया गाइस। तो यू कैन से ओके, यू कैन सी हियर गाइस 200 अगेन आ चुका है। अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगेन मैंने इसको किया तो यहाँ पे देख सकते हो यूज़र इंसर्ट हो चुका है। और अथॉरिटी अगर देखेंगे तो दोनों की सेम अथॉरिटी है। रीड अथॉरिटी कैसे आ रही गाइस, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने यूज़र में यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख रखी, इसलिए रीड अथॉरिटी आ रही है। ओके, अब गाइस कुछ इसमें रह नहीं गया आई थिंक। हाँ गाइस एक चीज़ रह गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर इंपॉर्टेंट रोल रह गया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। यहाँ डेटाबेस में आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, कि यहाँ पे जो पासवर्ड आ रहा है वो इनक्रिप्टेड नहीं है, जो कि हमें इनक्रिप्टेड चाहिए, राइट, मतलब कि डिक्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी उसे वापस से इनक्रिप्ट रहेगा तो उसे कोई ईजिली डिक्रिप्ट ना कर पाए, दैट इज़ द मेन थिंग। तो इससे सिक्योरिटी बनी रहती है, जब भी कोई डेटाबेस अगर कोई हैकर पा जाता है तब भी उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। तो करना क्या है गाइस, बहुत सारे डिक्रिप्ट करने के तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट सुटेबल तरीका है वो क्या है गाइस, कि आपको सिक्योरिटी कॉन्फिग में आना है और यहाँ पे जैसे नो ऑफ पासवर्ड एनकोडर को मैंने यूज़ किया था गाइस। देखो लर्निंग के पर्पस से स्टार्टिंग में हम नो ऑफ पासवर्ड एनकोडर को यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी रियल प्रोजेक्ट के सिनेरियो में यूज़ नहीं करना है इसे, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन कौन से बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो अगर रियल सिनेरियो में यूज़ भी कर रहे हो गाइस। तो लेट्स से कि सबसे पहले ये मैं क्लोज़ करता हूँ और नो ऑफ पासवर्ड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि बी, ये देखो यहाँ पे स्ट्राइक आ रही, इट मीन्स दैट ये डिक्रिप्टेड है। यहाँ पे बी क्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर PBKD ये जो भी है, ठीक है, थोड़ा लंबा है। एस क्रिप्ट पासवर्ड, और पहले के MD5 थे, MD4 थे, 100 था, ये सब जो है अभी ज़्यादा यूज़ में नहीं आते क्योंकि उसको ईजिली डिकोड किया जा सकता है, राइट, हैकर के थ्रू। तो बी क्रिप्ट वन ऑफ द बेस्ट यूज़ में आजकल है, तो आप इसको यूज़ करो गाइस। तो करना क्या है गाइस, इसको कॉपी कर लो यहाँ से और इसको बंद करो और यहाँ पे बीक्रिप्ट पासवर्ड यूज़ करो, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे हटा दो, यहाँ पे बीक्रिप्ट का सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, सिंपली दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना गाइस। अच्छा बीक्रिप्ट का अच्छा पैकेज इम्पोर्ट नहीं हुआ होगा इस वजह से एरर दे रहा है, राइट। ओके नाउ गाइस अभी फिर से मैंने इसको रिलॉन्च कर देना है, कुछ भी नहीं चेंज किया, बस बीक्रिप्ट करो, दैट्स इट, ठीक है। वापस आते हैं गाइस एंड अगेन मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से XYZ, ठीक है, और यहाँ पे 456123 कुछ भी कर देते हैं एंड अगेन मैंने इसको सेंड किया गाइस। तो 200 आ चुका है, यहाँ पे आ चुका होना चाहिए गाइस। ओके नहीं आया, यहाँ इनक्रिप्ट नहीं हुआ, क्योंकि गाइस दिक्कत ये है कि पासवर्ड तो इनक्रिप्ट करने का कोड लिख दिया, लेकिन इनक्रिप्ट कैसे होगा, क्योंकि डेटाबेस में जब सेव कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो यूज़र है तो यूज़र को यहाँ पे पहले से डिक्रिप्ट कर दो। तो करना क्या है, यूज़र सेट यूज़र पासवर्ड, आप कैसे करोगे गाइस, यहाँ पे आपको करना क्या है, ओके यहाँ पे नहीं करते हैं, सीधे सर्विस लेयर पे करते हैं। तो क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे एक और ऑटो ऐड करना होगा, ऑटो ऐड किसको करना है गाइस, पासवर्ड एनकोडर को, क्योंकि उसकी बीन हमने बना रखी है, राइट। तो पी लिख देते हैं यहाँ पे या फिर एनकोडर लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दो अभी के लिए, बहरहाल यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन इतना मैंडेटरी नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एन यहाँ पे यूज़र के जो सेटर मेथड है उसको यूज़ करूँगा मैं, सेट पासवर्ड कैसे करूँगा गाइस, यहाँ पे एनकोडर डॉट, यहाँ पे आपको करना क्या है गाइस, एनकोड मेथड, ठीक है। जैसे कि गाइस अगर यहाँ पे पासवर्ड एनकोडर के अंदर जाओगे, यहाँ पे एक एनकोड मेथड है, इसको यूज़ करना है, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, ये तो इंटरफेस है,
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने बीन बनाई है, तो इंटरनली इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र का यूज़र पासवर्ड भेज देंगे। तो यहाँ पे यूज़र यूज़र का जो गेट पासवर्ड है, गेट पासवर्ड, तो मतलब क्या किया गया, इस पहले यूज़र का गेट पासवर्ड करके यहाँ पे एनकोड कर दिया है, फिर फाइनली अगेन ये जो रिटर्न करेगा एनकोडेड पासवर्ड को फिर से इस यूज़र पे सेट कर दिया, सेट पासवर्ड। अगेन अभी यूज़र जाएगा तो अभी ना एनकोडेड मतलब कि इनक्रिप्ट हो जाएगा, राइट। फाइनली इसको फिर से रिलॉन्च कर देना है गाइस। ओके सो नाउ गाइस, यहाँ पे इतना ही चेंजेस किया, ऑटो वाइड किया पासवर्ड एनकोडर को, क्योंकि बीन कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्रिएट कर रखी, राइट। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर लेता हूँ, प्रिया समथिंग, ठीक है, 111 समथिंग, और मैंने इसको सेंड किया। ओके 500 इंटरनल एरर, वन सेकेंड, जस्ट मिनट, क्या बोल रहा है कि MySQL डेटा ट्रांजेक्शन डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम पासवर्ड एट रो, डेटा टू लॉन्ग है पासवर्ड। ओके गाइस, पासवर्ड के लिए अभी डेटा लॉन्ग, तो आपको करना क्या गाइस, ओके ये जो है इसको आपने ऑल्टर करना है टेबल को। बेसिकली क्या है, पासवर्ड का जो डेटा टाइप है उसको 45 था, जबकि इनक्रिप्ट होकर आएगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ होगी उसकी, तो आप इसको टेक्स्ट कर लो, ठीक है, अप्लाई एंड सेव, फिनिश। एंड अगेन गाइस, मैं जाता हूँ पोस्ट पैन पे, डायरेक्टली मैं फिर से इसको हिट करता हूँ, तो यू कैन सी हियर यहाँ पे 200 आ चुका है। अगेन मैं यहाँ पे गाइस आता हूँ एंड अगेन इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यू कैन सी हियर यहाँ पे प्रिया का पासवर्ड एनकोड हो चुका है। और ये इतना इजी नहीं है डिकोड करना थ्रू द हैकर्स। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।